हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे? चलो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेयर बोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम के बारे में। यानी कि आज हम बात करेंगे सबसे पहले कि बेयर बोन्स का मतलब क्या है। बेयर बोन्स का मतलब होता है इट इज़ नोन एज पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, दैट इज वेरियस पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, और वी कैन से वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ प्रोग्राम। ओके, यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। थोड़ी सी राइटिंग को अगर हम अवॉइड करें तो आप देखेंगे दैट इज हैश, इट इज़ अ कॉमेंट। यानी कि हैश से जो भी चीज़ें शुरू होंगी वो हमारे क्या हैं, दिट विल बी अवर कॉमेंट्स। आप कॉमेंट्स क्या होते हैं ये अभी आगे इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा। देन वी हैव डी ई एफ सी यू, तो ये हमारा क्या है, दिस इज अ फंक्शन। दिस इज वॉट इट इज अ फंक्शन, इट इज द, वी कैन राइट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा डी ई एफ से स्टार्ट होती है। ठीक है, एंड जब भी आपको यहाँ पर इस प्रकार से कॉलन साइन मिलता है, क्या मिलता है, कॉलन साइन। सो कॉलन साइन रिप्रेजेंट करता है कि इट्स अ ब्लॉक। क्या है, इट इज अ ब्लॉक। अब ये ब्लॉक क्या होता है ये भी आपको पता चलेगा आगे। देन यहाँ पे हमने कमेंट दिया है, मेन प्रोग्राम हमारा यहाँ से शुरू होता है। सो दैट इज ए इज इक्वल्स टू 15 एंड बी इज इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू ए माइनस 10। सो ए इज इक्वल्स टू 15 इज अवर स्टेटमेंट, इज अवर स्टेटमेंट, एंड बी इज इक्वल टू ए माइनस 10 इट इज एन एक्सप्रेशन। ओके, सिमिलरली वी हैव प्रिंट ए प्लस 3 इफ बी इज ग्रेटर देन 5 कॉलन, देन कॉलन मीन्स इट इज अ ब्लॉक। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी कॉलन लगाओगे तो नेक्स्ट लाइन में आपको थोड़ा स्पेस छोड़ना है। अब इस स्पेस को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। व्हाट वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज इंडेंटेशन। और ये इंडेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। हमने सेम इफ के लिए इंडेंटेशन किया है, एल्स के लिए भी इंडेंटेशन लगाना पड़ेगा, और लास्ट में हमने सी यू को कॉल किया है। तो सी यू क्या है, यहाँ पर सी यू आपका एक फंक्शन का नाम है। व्हाट इज, इट इज़ अ नेम ऑफ फंक्शन, और हमने यहाँ फंक्शन को कॉल करा हुआ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी जो आपको समझ में थोड़ी थोड़ी अभी आई होंगी। अब हम हर एक पार्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज वी हैव अवर, वेट अ सेकेंड, नंबर वन दैट इज एक्सप्रेशंस। कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, देखो एक्सप्रेशन का मतलब है दैट इज इट इज अ लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ, दैट इज इट इज अ लीगल कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू, दैट रिप्रेजेंट अ वैल्यू। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। दैट इज वी हैव अवर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ए प्लस 5, और वी हैव इट इज 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। ये क्या है, एक हमने यहाँ पर क्या यूज किया, हमने वेरिएबल यूज किया है, ऑपरेटर यूज किया है, न्यूमेरिक लिटरल यूज किया है। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से हम क्या एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम एक वैल्यू को यहाँ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव दैट इज स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट। अगर हम स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करना चाहें तो स्टेटमेंट क्या होता है, सो स्टेटमेंट इट इज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। क्या है, इट इज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग, दैट डज समथिंग। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हमारा कोई ना कोई एक्शन जो है ये वहां से ले रहा होगा। स्टेटमेंट कितने स्टेटमेंट होते हैं, किसको स्टेटमेंट बोलेंगे, किसको स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो आपकी प्रोग्रामिंग में जितने भी लाइन ऑफ कोड लिखे होते हैं सभी के सभी स्टेटमेंट है, सबका कुछ ना कुछ मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एग्जाम्पल ऑफ दैट इज प्रिंट, अगर मैंने लिख दिया प्रिंट ऑफ विशाल तो ये भी हमारा एक स्टेटमेंट है। वी हैव प्रिंट ऑफ ए इंटू 5 तो ये भी हमारा क्या एक स्टेटमेंट है। ओके, क्या इतनी बात आपको समझ में आई। ओके, नेक्स्ट वी हैव कॉमेंट्स, ये थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम। कॉमेंट्स क्या है, कॉमेंट्स वो एक एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन है। यानी हम कमेंट्स हमेशा वहां ऐड करेंगे जहां पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कॉलन मीन इट्स अ ब्लॉक।
यानी कि मुझे इस स्टेटमेंट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है? कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। सो हम इसको बोलेंगे दैट इज दीज आर द एडिशनल रीडेबल इन्फॉर्मेशन टू क्लैरिफाई द सोर्स कोड, यानी कि हमारी सोर्स कोड को पढ़ने में हमारी हेल्प कर रहा है। क्या करता है ये? हमारी सोर्स कोड को पढ़ने में हेल्प करता है। ये बात समझ में आई? जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब कमेंट्स हमारे दो टाइप के होते हैं। कमेंट्स हमारे कितने टाइप के? दो टाइप के हैं। फर्स्ट वी हैव सिंगल लाइन कमेंट, वी हैव सिंगल लाइन कमेंट। नेक्स्ट वी हैव दैट इज मल्टी लाइन कमेंट। जस्ट अ सेकेंड। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है अभी। सिंगल लाइन कमेंट क्या है? देखो, सिंगल लाइन कमेंट में दैट इज इट मस्ट बी ऑफ सिंगल लाइन। आपको कमेंट एक ही लाइन में लिखना है। ये हमारा स्टार्ट होता है, स्टार्ट विद हैश सिंबल। किससे स्टार्ट होता है? ये हमारे हैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं। तो आप देख सकते हो हमने जो ऊपर कोड लिखा है, यहाँ पे हमने हैश सिंबल यूज किया, ये भी हैश सिंबल यूज किया, तो ये हमारे सब क्या है? दीज ऑल आर सिंगल लाइन कॉमेंट्स। वॉट दीज आर सिंगल लाइन कॉमेंट्स। वहीं पर अगर हम बात करें मल्टीपल लाइन कमेंट्स की, तो मल्टीपल लाइन कमेंट में क्या होगा? यहाँ पर जो कमेंट हमारा होगा, इट मस्ट बी ऑफ मोर देन वन लाइन। जो हमारा मोर देन वन लाइन कमेंट्स होगी उसको हम बोलेंगे मल्टीपल कमेंट्स। ओके, अब इनके भी हमारे लिखने के दो तरीके हैं, तो हम इसको इधर कर लेते हैं। दैट इज देर आर टू पॉसिबल वेज टू राइट देम। सो पहला तरीका क्या है? दैट इज फर्स्ट वन, पहला तरीका है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल लाइन कमेंट। ओके, एग्जांपल हम इसे कैसे लिख सकते हैं? दैट इज वी कैन राइट इट एज, हमने लिखा यहां से फर्स्ट लाइन ऑफ कमेंट, वी कैन राइट सेकेंड लाइन ऑफ कमेंट। ओके, दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? दूसरा ऑप्शन है दैट इज बाय यूजिंग ट्रिपल कोट्स, बाय यूजिंग ट्रिपल कोट। ये बात ध्यान रखनी है कि ट्रिपल कोट से ही हम ओपन करेंगे और ट्रिपल कोट से ही हम एंड करेंगे, कुछ इस तरीके से। आप सिंगल कोट का इस्तेमाल कर सकते हो, डबल कोट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज इस तरह भी हम कर सकते हैं। That is, this is my multi line comment. और जब हम इसको एंड करेंगे तो भी हमको अपने ट्रिपल कोट्स को यहाँ पर सही से लगा देना है। ओके, क्या करना है? ट्रिपल कोट को हमें सही से लगा देना है। बात समझ में आ गई होगी? ओके, वो ये बात हमें समझ में आ गई। नाउ मल्टी लाइन कमेंट को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज इट इज ऑल्सो नोन एज डॉक स्ट्रिंग। क्या और बोलते हैं बेटा इसको? हम डॉक स्ट्रिंग। ओके, अब ये भी चीज लिख लो आप, दैट इज यू कैन यूज ईदर ट्रिपल अपोस्ट्रॉफी और ट्रिपल क्यूट। ओके, अब इनका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? इनका इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज दे हेल्प अस टू राइट डॉक्यूमेंटेशन, दे हेल्प अस टू राइट डॉक्यूमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, दैट इज वी हैव नंबर फोर, वी हैव फंक्शंस हियर। व्हाट वी हैव? फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? ध्यान समझो, दैट इज
इट कैन बी डिस्क्राइब्ड, इट इज अ कोड दैट हैज अ नेम, कोड दैट हैज अ नेम एंड इट कैन बी रीयूज्ड. रीयूज का मतलब है कि इट कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन, ओके, बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम. अभी मैं आपको समझाता हूं मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर. नेम इन द प्रोग्राम व्हेन नीडेड. देखो क्या होता है कि अगर हमें जब भी एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट को हमें अगेन एंड अगेन हमें इनकी जरूरत पड़ती है, दैट इज अगेन एंड अगेन जब हमें इनकी नीड होती है, जब अगेन एंड अगेन इनको एग्जीक्यूट कराना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम एक फंक्शन बना देते हैं. क्या बना देंगे, एक फंक्शन बना देंगे और उस फंक्शन को हम नेम दे देंगे. जब भी हमें इस स्टेटमेंट को यूज करना होगा, हम अपने फंक्शंस को, फंक्शन के नेम को कॉल करेंगे और हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, अगेन जो हमारा डी एफ कीवर्ड है, कौन सा कीवर्ड है, डी एफ इज अ कीवर्ड दैट इज द डी एफ कीवर्ड इंडिकेट्स द डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन. ये फंक्शन को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, हम उसके लिए डी एफ कीवर्ड का हमें इस्तेमाल करना होता है. ओके, नेक्स्ट वी हैव दैट इज ब्लॉक एंड इंडेंटेशन. व्हाट इज वी हैव, बी एफ ब्लॉक एंड इंडेंटेशन. अब ब्लॉक और इंडेंटेशन का मतलब ये है दैट कि देखो, जब भी आपको एक ग्रुप, दैट इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड ब्लॉक और कोड ब्लॉक और सूट. यानी कि अगर आपकी कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होती है, उसके बाद आप एक सेट ऑफ स्टेटमेंट को चलाना चाहते हो, तो हम उसको एक ग्रुप में बना देते हैं. क्या करते हैं, हम उसका एक ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप को हम ब्लॉक बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं, कोड ब्लॉक या सूट बोल सकते हैं. ओके, अब ये ग्रुप बनाते कैसे हैं, इसके लिए हम इंडेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं. दैट इज, जैसे मैंने लिख दिया एफ ऑफ आई इज लेस देन टू, अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे तीन स्टेटमेंट अपने एग्जीक्यूट करवाने हैं, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ से प्रिंट ऑफ आई इंटू टू एंड प्रिंट ऑफ आई इंटू फोर. फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे तीन स्टेटमेंट हैं, मैं एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ जब ये मेरी कंडीशन ट्रू हो, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इनको एक ब्लॉक में बना दूंगा. ठीक है, अभी क्या है, मेरे सभी के सभी सेम इंडेंटेशन पे है. ओके, जब आप ये टाइप करोगे कभी भी प्रोग्राम में, मैं आपको भी टाइप करके दिखाऊंगा आगे, तो आपको पता चलेगा, आप जैसे ही ये ब्लॉक, जैसे ही आप ये कॉलन साइन लगाओगे, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन से इतना स्पेस आपका जनरेट होके आने लगेगा. ओके ओके, दैट इज. अब ये जो इंडेंटेशन है, ये आपकी एक और हेल्प करेगा, देखो ध्यान समझ जाओ. So now, this indentation will help you to identify whether it is a part of block or not. अगर आप कभी भी ऐसे स्टेटमेंट एक साथ लिखे मिले, एक इंडेंटेशन है, मतलब कि जो इनके ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है उसका ये सभी क्या है, ये सभी एक ग्रुप है, और किसके ग्रुप में है, इस ऊपर वाले स्टेटमेंट के साथ में ग्रुप बना हुआ है इनका.
यानी कि जब ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होगी या फिर जब ये एग्जीक्यूट होगा तभी हमारे ये सभी एग्जीक्यूट हो रहे होंगे एक साथ। ओके अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर देना, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वेरिएबल्स और असाइनमेंट के बारे में।